हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बैंक, स्मॉल कैप बैंक है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं इनके, क्या न्यूज है इसके ऊपर, क्या इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्राइस के ऊपर चल रहा है, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो है, क्या टर्न अराउंड थ्योरी बनती है इसकी, कैसी मैनेजमेंट है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड करना चाहिए एक ब्रेक इवन पर या फिर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहिए, तो क्या इसके टारगेट्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन बैंक के साथ। जैसे आप देख रहे हैं SIB, साउथ इंडियन बैंक, केरल बेस्ड एक बैंक है। ये कंप्लीट बैंक है, काफ़ी पुराना बैंक है, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट को। अब हम इसके प्राइस को देखते हैं कि प्राइस किस प्राइस पे ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 9 रुपये का प्रीवियस क्लोज था, 9 रुपये 10 पैसे पे ओपन होता है, 9 रुपये 15 पैसे का हाई, 9 रुपये 5 पैसे का लो, 10 पैसे की रेंज में चलता हुआ, 9 रुपये 5 पैसे पे बंद होता है 0.6% की तेजी के साथ, 0.56% की तेजी के साथ। तो 5 दिन का भी आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही ये घूम रहा है। 9 रुपये का लो बनाता है और 9 रुपये 25 पैसे का हाई है। 1 मंथ का देखेंगे तो 8 रुपये 15 पैसे के आसपास ये था, तो 9 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 9 दिसंबर के आसपास ये 10 रुपये 35 पैसे तक भी गया था। उसके बाद से डाउन आया है, अगेन ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। मार्केट कैप जो है 1647 करोड़ का है। आप देख सकते हैं ROCE जो है 6.01% की है, ROE 1.93% की है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है इसकी, वो ये है कि बुक वैल्यू जो है 30 रुपये के आसपास की है, जो ट्रेड कर रहा है 9 रुपये के आसपास कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.30% की बनती है। बुक वैल्यू से काफ़ी डीप ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। डिविडेंड ये पे नहीं करता है। 52 वीक हाई जो है 11.4 का है, 52 वीक लो है 4.80 का है, फेस वैल्यू 1 की है इसकी। तो एक पेनी स्टॉक ये आपको नजर आता है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और 1647 की इसकी मार्केट कैप है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 200 DMA के ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है। जब इसने 36% की डिलीवरी के साथ 6.80 को लेवल को 20 नवंबर को इसने क्रॉस किया था, उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद इसने 10.35 रुपये का हाई भी बनाया था, अभी ये 9 रुपये के आसपास काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको हम बेसिकली देखते हैं। पिछले 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जून क्वार्टर में 82 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया था, और उससे पहले अब जो लेटेस्ट क्वार्टर था सितंबर का, उसमें 65 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया है। एक क्वार्टर में आप देखेंगे मार्च वाला जो क्वार्टर था उसमें 144 का इसने लॉस दिया था, बाकी ये ऑलमोस्ट बैंक जो है प्रॉफिट में ही रहा है। ग्रोस GNPA की बात करें, किसी बैंक के लिए नेट NPA और ग्रोस NPA काफ़ी मैटर करते हैं, तो आप देखेंगे ये ग्रोस NPA सबसे पहले हम बात करते हैं, 4.98 जो थी आप देखेंगे मार्च 20 में, तो वो ये डाउन होती हुई आपकी 4.87 के आसपास आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ ना कुछ ये डिक्रीज हो रही है। अगर नेट NPA की बात करें तो नेट NPA भी आपको डिक्रीज होते नजर आएंगे, जो 3.44 थे या 3.48 लगाएं, फिर 3.44, 3.34, 3.09 और अब ये 3 से भी नीचे आते हुए 2.59 के आसपास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, नेट NPA ग्रोस NPA कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एक अच्छा साइन होता है किसी भी बैंक के लिए अगर उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं डाउन आ रहे हैं और कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। और सेकेंडली बैंक जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट में रहा है एक क्वार्टर को छोड़ के, तो ये भी एक अच्छा साइन माना जा सकता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप ध्यान दें तो पब्लिक के पास 90% के आसपास की होल्डिंग है। इसके अंदर देख लेते हैं किसके पास होल्डिंग है, तो आप देखेंगे 5% के आसपास की जो है यूसुफ लाइफ के आसपास है, और लाइफ इंश्योरेंस के बाद 3.22% के आसपास है, जो कि 8% के आसपास बनती है। स्टिल जो पब्लिक के पास है वो 81-82% के पास की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी हाई है। FII का इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्कुल है, बट पहले से काफ़ी रिड्यूस हुआ है, 34.56 से रिड्यूस होकर 8.64 के आसपास का है। DII के पास जो 15.16 के आसपास का था, उसका भी रिड्यूस होकर 1.10 के आसपास का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आता है। तो अच्छा क्या नज़र आता है कि ग्रोस NPA नेट NPA रिड्यूस हो रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, ये प्रॉफिट दे रहा है हर क्वार्टर में, ये एक अच्छा साइन नज़र आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्या रिसेंट की न्यूज है इसके ऊपर। आप देखेंगे 1 जनवरी की ही इसके ऊपर न्यूज है कि साउथ इंडियन बैंक सीक्स टू रेज 750 करोड़ फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर मैनेजमेंट ग्रोथ करना चाहती है तो एक बहुत अच्छा वेलकम साइन होता है इसका। साउथ इंडियन बैंक देख सकते हैं केरला बेस्ड बैंक डेट ऑफर्स ए डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो
तो ये 750 करोड़ रुपीज अपनी जो बैलेंस शीट को है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए लेना चाह रहे हैं, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो उनको मार्केट में दिख रही हैं तो उसके लिए ये लेना चाह रहे हैं। एक विजन इन्होंने तैयार किया है 6C का, तो उसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। 6C क्या है? कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को बढ़ाना, कॉस्ट टू इनकम, कस्टमर फोकस, कैपिटल रेजिंग एंड कंप्लायंस टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू क्रेडिट ग्रोथ एज मेंशन इन फीलिंग्स। तो आप देख सकते हैं अच्छा फोकस है, 6C का जो इन्होंने फोकस बनाया काफ़ी अच्छा है। 750 करोड़ ये अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, मार्केट की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसको बिल्कुल ये लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन साउथ रीजन डेट वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो 1946 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो था उसके बाद इसको प्राइवेट बैंक का दर्जा मिला था। तो केरल वेस्ट ये बैंक आपको नजर आ रहा है। एज पर द कंपनी प्रोफाइल ऑन क्रंच बेस साउथ इंडियन बैंक है टिल डेट रेज टोटल फंडिंग वर्थ 90.7 मिलियन USD इन ओवर 3 फाइनेंसिंग राउंड्स। तो विजन जो 2024 का भी इन्होंने तैयार किया है उसके अंदर काफी अच्छा इनका है। अंडर दिस न्यू प्लान साउथ इंडियन बैंक इज एमिंग टू रीच ए लोन बुक रिकॉर्ड ऑफ 1 लाख करोड़। काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड, इन्होंने अपना विजन जो 24 तक का बनाया है अगर ये इसको अचीव करते हैं तो शेयर काफी आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं तो 1 लाख करोड़ की जो लोन बुक है उसका फोकस है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 3.5% अच्छा है, नेट अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ऑफ 35% गुड, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ऑफ ओवर 65% बाय द ईयर 2024। अच्छा विजन इन्होंने तैयार किया, अगर इसके ऊपर ये फोकस कर सकते हैं इसको ये अचीव कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक टारगेट्स इनके होंगे। जो 750 करोड़ इन्होंने रेज करना है अपनी ग्रोथ के लिए उसके लिए ये जो शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर ये अप्रूवल ले चुके हैं अपने AGM के अंदर। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा विजन तैयार किया है 6C का विजन 2024 का, और मैनेजमेंट का अगर फोकस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए होगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जो नेट NPA हैं, ग्रोथ NPA हैं, वो रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है कि मुरली हु रिसेंटली टुक ओवर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, इनका फोकस अच्छा है। जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है जो अभी रिसेंटली बने हैं सेड डेट बाय 2023-24 द बैंक एम टू रीच ए लोन बुक ऑफ 1 ट्रिलियन, कासा मिक्स ऑफ 35%, PCR ऑफ 65%, अभी 38% के आसपास का है, NIM ऑफ 3.5% एंड ROA ROE ऑफ ओवर 1% एंड 13%। तो जो अभी रिसेंटली बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO उनका काफी ग्रोथ उनको करवानी है बैंक को, और उन्होंने एक प्लान तैयार किया है 6C का भी और विजन 2024 उन्होंने रखा है। तो एक अच्छा साइन बैंक के लिए नजर आता है अगर इसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक रिवैम्पिंग टू रिमेन कॉम्पिटेंट, IDBI कैपिटल का कहना है, ये 30 दिसंबर का है कि IDBI बैंक रिवैम्पिंग टू रिमेन कॉम्पिटेंट, अच्छी न्यूज है। इसके बाद कह रहे हैं कि 8 दिसंबर का था साउथ इंडियन बैंक मोल्स मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू रिटर्न टू प्रोफिटेबिलिटी। तो प्रोफिटेबिलिटी के लिए इन्होंने काफी मल्टी प्रोलॉन्ग्ड जो है अप्रोच तैयार की है और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोफिटेबिलिटी में आ सकते हैं और प्रॉफिट में है भी, प्रॉफिट को अपना काफी इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली मोतीलाल ओसवाल ने 31 दिसंबर को, आप देख सकते हैं 31 दिसंबर की डेट है, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि साउथ इंडियन बैंक का जो टारगेट है वो 11 रुपये बनता है और अभी इसके टारगेट्स और भी इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से बैंक आगे आगे रिजल्ट्स देगा और अपना फोकस उनका क्लियर है तो मैनेजमेंट अगर उसके ऊपर काम करती है तो ये बैंक आपको काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफी स्मॉल कैप बैंक है और काफी अच्छा इसके अंदर स्कोप बनता है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से डबल भी ये हो सकता है अगर आप इसे होल्ड करके रखें, अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर अपने जो प्लानिंग की है जो विजन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर टेक्निकल देखें तो मूविंग एवरेज जो है आप इंडिकेट कर रही है कि इसको स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, 13 जो है बाय सिग्नल्स हैं, 1 जो है न्यूट्रल का है और 3 सेल्स इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बाय रीजन के अंदर ये अभी भी आपको काम करता हुआ दिखाई देगा एज पर मूविंग एवरेजेज। ऑसिलेटर्स के अकॉर्डिंग अभी सेल के अंदर है, कुछ दबाव इसके अंदर हो सकता है, नो न्यूट्रल है, 0 बाय है, 2 सेल है, तो एक सेल सिग्नल इसके अंदर आ सकता है, थोड़ा बहुत ये डाउन जा सकता है तो वहां पर आप इसे कमुलेट कर सकते हैं।
इसके ऊपर हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, चार्ट के ऊपर बैंक किस टाइप से नजर आता है आप देखिए, इस टाइप से ये चार्ट नजर आता है, जिरोधा का चार्ट है ये। तो कितना इसने रिट्रेस किया पहले हम उसको देखते हैं कि अपना कितना रिट्रेसमेंट ये किया है। अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल को देखें, पहले हम इस स्विंग को पकड़ते हैं, यहां से इसने यहां तक का स्विंग दिया था, तो आप देखिए एक जो इसने स्विंग दिया था 61.8 के आसपास का सपोर्ट लिया था, जब यहां से बैंक ने चलना स्टार्ट किया था, शेयर ने चलना स्टार्ट किया था, इस रेट के ऊपर ये पहुंचा था जो अर्लियर इसका स्विंग था। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो सपोर्ट लिया 61.8 के आसपास का सपोर्ट लिया था, जो कि एक गोल्डन लाइन कही जाती है, यहाँ पर शेयर रुकता है, सपोर्ट लेता है, बाउंस बैक करता है, और वहीं से इसने बाउंस बैक किया, देखिए अच्छा ऊपर गया था। अब रिसेंट की जो करेक्शन है उसको भी देख लेते हैं कि शेयर ने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो अभी नया इसने इस रिट्रेसमेंट में लो बनाया था, उसके बाद देखिए इसने जो नया हाई बनाया है, यहाँ पर नया हाई बनाया है, उसके बाद आप शेयर इसको देखेंगे शेयर को, तो अगेन 61.8 की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया और वहां से ही बाउंस बैक हुआ है। तो 61.8 का आप एक सपोर्ट जोन इसका मान सकते हैं कि ये वहां से बाउंस बैक होता है। अभी शेयर जो है 9 रुपए के आसपास चल रहा है, 8 रुपए जो है 61.8 एक गोल्डन लाइन बनती है रिट्रेसमेंट की, जो कि लेवल बनता है 8 रुपए के आसपास का। अगर ये शेयर आपको 8 रुपए के आसपास कहीं पर भी मिलता है तो आप इसके अंदर अकोमोलेट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा शेयर आपके लिए साबित हो सकता है। अगर सुपर ट्रेंड को भी हम लगा के देखते हैं कि सुपर ट्रेंड किस टाइप से हमें इंडिकेट कर रहा है, तो सुपर ट्रेंड को भी हम लगाते हैं, तो सुपर ट्रेंड आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है 18 नवंबर से, जब इसका प्राइस 6 रुपए 55 पैसे का लो इसने बनाया था 18 नवंबर को, उसके बाद से देखिए शेयर ने जो हाई बनाया 10 रुपए 65 पैसे का बनाया 9 दिसंबर को, अभी भी ये एक अपवर्ड मूव में ही दिखा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग बेस जो है इसने 8 रुपए को ब्रेक नहीं किया है, ये भी एक 8 रुपए का सपोर्ट बता रहा है, और हमारा रिट्रेसमेंट लेवल भी जो बता रहा है 8 रुपए का इसके अंदर सपोर्ट लेवल बनता है। इसके ऊपर अगर शेयर है तो बिल्कुल एक बाय जोन के अंदर रहता है, और ये कोई भी डिप बनती है 8 रुपए के आसपास तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है, एक अच्छे बेनिफिट्स आपको दे सकता है, कि डाउन साइड इसके अंदर काफी अब लिमिटेड सी नजर आती है। RSI को भी हम लगा के देखते हैं कि RSI किस टाइप से काम कर रही है, तो RSI देखेंगे 57 के आसपास है, जो कि एक ओवरबॉट जोन के अंदर पहुंच गई थी यहाँ पर, तो इसने भी अच्छा करेक्शन दिया और एक 57 का जो लेवल दिखा रही है, तो ना तो ये ओवरबॉट जोन में है ना ही ओवरसोल्ड जोन में, एक अच्छा लेवल आपको दिखाती हुई नजर आ रही है। MACD को भी हम लगा के देखते हैं कि MACD किस टाइप से काम कर रहा है, तो MACD देखेंगे करेक्शन की ओर जरूर इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर करेक्शन हो सकती है, और कितनी करेक्शन हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया, 8 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको स्टेक लेना चाहिए। छोटा शेयर है और छोटा ही इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अपने आप जब चलेगा एक मोमेंटम के अंदर रहता है। अब देखिए जब ये शेयर यहाँ से भी चला था 6 रुपए 40 पैसे के आसपास से, तो इसने 10 रुपए 65 पैसे का हाई बनाया था, तो 40-50% तो इजिली जब शेयर चलता है तो इजिली निकाल के देता है, अच्छे मोमेंटम में रहता है। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर भी जब शेयर चला था 4 रुपए 85 पैसे के आसपास से, तो आप देखिए यहाँ पर 9 रुपए 25 पैसे के आसपास ये गया है, ऑलमोस्ट 80-90% जब ये चलता है तो अच्छे मोमेंटम में रहता है और अच्छे रिजल्ट्स ये देता है। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट ग्रो कर रहा है, कोई भी डिप इसके अंदर आता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, कहीं पर भी आपको कोई डिप मिलता है और 8 रुपए के आसपास अकोमोलेशन करने का इसके अंदर चांस लगता है आपको, तो बिल्कुल आप अकोमोलेट कर सकते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 11 रुपए का, हमारा टारगेट यहाँ से 14 से 15 रुपए का इजिली बनता है, तो आप इसे डाउन साइड में कभी भी आपको 8 रुपए के आसपास मिले तो अकोमोलेट कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, और अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इसके अंदर अकोमोलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे टारगेट्स हैं ओवर नाइट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहते हैं। जब आप 40-50% किसी भी शेयर में रिटर्न लेना चाहते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।